सो गाइस एक काफ़ी एक बड़ी ऑफिशियली न्यूज़ निकल के आ चुकी है BGMI की तरफ से। ये कोई स्ट्रीमर की तरफ से कंफर्म नहीं है, एक खुद क्राफ्टन की तरफ से समझ लो कंफर्म है। आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, टाइटल समझ लो तो आप लोगों को पता चल गया होगा। सो गाइस काफ़ी टाइम बाद कुछ ऑफिशियली अच्छी न्यूज़ हमारे लिए देखने के लिए मिलने वाली इस वीडियो में। सो गाइस पूरा एंड तक वीडियो देखना। तो चलो गाइस अपन शुरुआत करते हैं। सो गाइस आप लोग सैमसंग को तो जानते होंगे, सैमसंग कंपनी उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है सैमसंग सिक्योरिटीज़ नाम की, और इसका जो मतलब हेडक्वार्टर है वो सियोल में कोरिया में। तो आप लोग इसके बारे में जाके विकिपीडिया में सर्च कर सकते हो। सैमसंग की कंपनी की ही सब्सिडियरी कंपनी है सैमसंग ग्रुप की। सो आप लोग इसके जाके बारे में विकिपीडिया में चेक कर लेना। तो इसका सीन ऐसा है कि भाई जैसे कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह होती हैं जो भी इससे जुड़ी रहती हैं, तो ये उस कंपनी की मतलब एनालिटिक्स उनको प्रोवाइड करती है कि उन्होंने मतलब कितना ग्रो किया है, कितना मतलब वो कमा रही है, कितना नहीं कमा रही, क्या डाउनफॉल चल रहा है या ग्रोथ हो रही है। तो वही सब ये रिपोर्ट वगैरह, फाइनेंस मैनेजमेंट टाइप की कंपनी है हर कंपनी की। तो ऐसी क्राफ्टन से भी इसका है रिश्ता। इन्होंने ही मतलब क्राफ्टन को पूरे साल का उनका पिछला मतलब अपडेट दिया, कंपनी अपडेट दिया कि कैसे कैसे उनकी ग्रोथ रही है, कितना उनका फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। सो आप लोग देख ही रहे होगे, मतलब ये 11 अप्रैल की है, 11 अप्रैल की पहले से, इसी साल के 11 अप्रैल की पहले की क्राफ्टन की इन्होंने मतलब वो दी, क्या कहते हैं, कंपनी अपडेट दिया इन्होंने कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसी कंपनी अपडेट में भाई वहाँ पे आप लोग की तो कोरिया में आप लोग ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में, वैसे तो मैं हिंदी में कर दे रहा हूँ, आपको अगर इंग्लिश में करना हो तो इंग्लिश में देख लेना। सो वहाँ पे देखो एक जगह पे BGMI लिखा हुआ था, तो इस चीज़ से काफ़ी लोगों ने पकड़ लिया कि भाई BGMI के बारे में इन्होंने मतलब क्या बोला है, क्या क्या अपडेट है इस चीज़ में। तो जब ट्रांसलेट हुआ तो उसमें ऐसा कुछ निकल गया, जी मोबाइल इंडिया के Q2 में फिर से शुरू होने की उम्मीद है। अब Q2 क्या होगा, अप्रैल से 1 तारीख से लेकर June 3 तक, उसे Q2 कहते हैं, ठीक है। सो गाइस ये था, और उसके बाद उन्होंने वैसे कुछ लिखा कि कंपनी को उम्मीद है कि पबजी मोबाइल की भारत में BGMI सेवा जिसे जुलाई 2022 में निलंबित कर दिया यानी सस्पेंड कर दिया गया था, Q2 से फिर से शुरू होगी, और एक बार फिर से शुरू होने के बाद यह मोबाइल की बिक्री वापस में योगदान की उम्मीद है। हालांकि चूंकि कंपनी भारत सरकार को उकसाने से बचने की शुरुआती दौर में मार्केटिंग से परहेज करेगी, इसलिए बिक्री की धीरे सामान्य होने की उम्मीद है। सो गाइस मतलब ऐसा है कि जो इन्होंने कहा है कि भाई जो BGMI है उसकी जो सेवा वगैरह है वो Q2 में स्टार्ट हो सकती है, अपना BGMI हमें Q2 में देखने के लिए मिल सकता है, यानी 1 अप्रैल से June 3 के बीच में, वो उसे Q2 कहते हैं, तो उसके बीच में हमें कभी भी अपना BGMI देखने के लिए मिल सकता है। और एक और मेन बात इन्होंने बताई कि भाई जब अपना BGMI आएगा अपने इंडिया में तो ये मार्केटिंग वगैरह नहीं करेंगे ताकि ये गवर्नमेंट की नज़र में ना आए, ऐसा नहीं कि करेंगे ही नहीं, धीरे धीरे करेंगे, तो हो सकता है हमें बिना पता चले BGMI हमें मिल जाए देखने के लिए। सो गाइस अपना जो BGMI है 3 जून से पहले पहले हमें कभी भी देखने के लिए मिल सकता है, और शुरुआत में भाई वो कुछ भी प्रमोशन वगैरह नहीं करेंगे, मतलब कि हमें कोई ट्रेलर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा जब BGMI अनबैन होगा। ऐसा कि नहीं बिल्कुल ही सुमड़ी में कर देंगे वो, ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ प्रोमो वगैरह डालेंगे मतलब पूरा, लेकिन एकदम अच्छे से धूमधड़ाके से मतलब वो लॉन्च नहीं करेंगे ताकि गवर्नमेंट की नज़र ना पड़े। बाद में जब लॉन्च हो जाएगा तो धीरे धीरे प्रोसेस भी चलता रहेगा गवर्नमेंट के साथ, और धीरे धीरे वो प्रमोशन वगैरह करते रहेंगे जैसे जैसे बातचीत उनकी होती रहेगी। सो गाइस ये थी फिलहाल तक, ये लेजिट न्यूज़ है, कुछ भी फेक वगैरह एडिट वगैरह कुछ नहीं है। सो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताना, अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना। सो बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।